थैंक यू। ट्रेलर आया है, नजर आ रहा है काफी अमेजिंग। दबंगी, यस, ये जो किरदार है आपका, किरदार एकदम लाविशिंग किरदार है। टेल समथिंग अबाउट योर रोल। लैविश कह के आपने तो सब कुछ कह दिया, बट यस आई विल ऐड समथिंग इनटू इट। सत्या राजवड़कर नाम है कैरेक्टर। बेसिकली फैमिली पूना की है, पढ़ा लिखा बंदा है, फादर इसके कॉप थे। फादर चाहते थे कि दोनों बच्चे भी कॉप बने या गवर्नमेंट जॉब लें, पढ़े लिखा कुछ सलीके का काम करें, पर इसको हमेशा बचपन से पैसे ने रिझाया, ग्लैमर ने रिझाया, यू नो, अच्छी चीज़ों ने, मकान, गाड़ी, सोना, ये सारी चीज़ें। तो शुरुआत उसकी बैक स्टोरी थोड़ी बात बता रहा हूँ। तो कॉलेज के ज़माने से, और थोड़ा था डेयरिंग वो, यू नो, बिंदास भिड़ जाएगा, घुस जाएगा चार लोगों के अंदर, मुँह फट है। वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे करते करते पॉलिटिकली समबडी नोटिस्ड हिम और फिर उसको उसके अंदर ले लिया। और ही इज़ अ बैड गाय, एंड बैड इन द सेंस, हम आम जिंदगी में कोई भी एकदम दूध का धुला नहीं होता और ना ही कोई ऐसा होता है कि वो बहुत ही ख़राब होता है। हम हर एक इंसान किसी ना किसी की कहानी में बुरा होता ही है। जैसे मेरी जितनी भी लाइफ की आम जिंदगी की कहानी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बुरे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे हैं, और मैं भी बहुत सारे लोगों की कहानी में बुरा हूँ। वैसे इस कहानी में मैं बुरा हूँ, सत्या बुरा है, मतलब सेल्फिश है, पैसे की तरह बहुत रुझान है उसका, एंड ही सो फोकस्ड विद व्हाट ही वांट्स इन लाइफ, सो ही डजंट केयर अबाउट, यू नो, बीच में बाप आ रहा है या माँ आ रही है या कोई आ रहा है, यू नो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो उसके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, एज लॉन्ग एज ही वांट्स टू अचीव व्हाट ही वांट्स टू अचीव, मायने रखते हैं। लेकिन जब बात इस बात पे बन आती है कि यार मुझे ये करना है, ये हासिल करना है, फिर वो कुछ नहीं दिखेगा। When this kind of role comes to you as a person, the script आती है, सबसे पहली बात आपने क्या देखी इस किरदार? कहानी सबसे पहले कहानी को ही देखा जाता है, क्योंकि अगर आप कहानी को नहीं देखेंगे तो आपको वो विजुअली समझ में नहीं आएगा कि आप उस कहानी में क्या किरदार निभा रहे हैं और आप कहाँ फिट हो रहे हैं उसमें। फिर एज एन एक्टर आप सोचते हैं कि हाँ चलिए मेरा रोल इसमें ये है, मैं इसमें ये कर पाऊँगा। तो कहानी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं आप अभी भी जो आपसे बात कर रहा हूँ वो एक कहानी आपको बयान कर रहा हूँ, और अगर वो मैं इंटरेस्टिंग तरीके से आपको नहीं बोलूँगा तो आप ये इंटरव्यू शायद 30 सेकंड में ही ख़त्म कर देंगे। बट ऐसा होता है ना कि इस तरह का किरदार जब हम अपने रियल लाइफ से जो किरदार होता है उससे हटके कोई किरदार करते हैं तो एक अलग ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हम जैसा ये वार्तालाप कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग टू आमिर, बट सत्या भी है इस किरदार से, तो सत्या के किरदार में जाने के लिए क्या क्या मैं प्रिपरेशन किया? प्रिपरेशन की, जैसे मैंने कहा पूना का है ये, प्रोड्यूसर्स और जो हमारे कॉन्सेप्ट हेड है हिरम खोट, उन्होंने इनपुट दिया था कि वो किस लाइंस पे है, यू नो, चाल चलन, कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे कि हम, जैसे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे हमें किसी को बोलना है यार उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो हम सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल आता है वो बच्चन साहब का आता है कि दैट इज़ अ वॉइस, तो उसकी वॉइस, बट ज़रूरी नहीं है, हाँ, तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी मिमिक करेंगे, लेकिन आप समझ जाते हैं कि वो उसका, यू नो, कहाँ से आ रहे, वो थ्रेड्स कहाँ से आ रहे हैं। फिर आप अभी वैसी टाइप की वॉइस अमरीश पुरी साहब की भी थी, नसीर साहब की भी एक तरीके की वॉइस है, बट आप एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं, फिर आप एज एन एक्टर उसको बिल्ड करते हैं कि हाँ मैं इसमें ये जोड़ सकता हूँ, ये जोड़ सकता हूँ। तो वैसे सारे प्रिपरेशन किए गए। प्लस टीवी में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है, क्योंकि एपिसोड्स हमारे इतने होते हैं, हम एक रिस्ट्रिक्टेड फिल्म नहीं होती कि वो आप 40 दिन में ख़त्म करने वाले हैं, तो आप रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक सीन में आज आपने, जैसे आपके आज 5 सीन हैं, आपने एक सीन में कोई चीज़ ट्राई किया एज एन एट्रीब्यूट और एंड या तो एक कैरेक्टर की तौर पे, और आपको लगा कि हाँ यार ये अच्छा लग रहा है या मुझे करके भी अच्छा लगा, फिर आप उसको दूसरे सीन में भी इनकॉर्पोरेट करते हैं और इमीडिएटली उसको करेक्शन का मौका मिल जाता है। सो दैट वे दैट हेल्प्स यू ऑन अ डे टू डे बेसिस। बट प्री प्रेप अगर आप पूछेंगे तो आप एक जनरल, यू नो, फर्मा उठा के उसमें चीज़ें ऐड करते हैं। लाइक आई सेड, डे टू डे शूटिंग आपको वो और बिल्डअप करने को देती है। तो आई थिंक फर्स्ट 25-30 एपिसोड तक आप सेट हो जाते हो। हाँ, मैंने शुरू में एक सर्टेन टाइप का डायलेक्ट और लिंगो पकड़ा हुआ था. उन्होंने बोला नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, इसको आप चेंज कीजिए. तो देन वापस आई हैड टू स्क्रैप ऑल दैट. फिर वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ा. फिर जब आप जीरो पे आ जाते हो तो उसके बाद आपका कुछ नहीं होता, आप सिर्फ पूरे खोखले बैठे हो. फिर आप सोचते हैं यार अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, अब मैं क्या थ्रेड पकड़ूँ इसका कि इसके ऊपर बिल्डअप करूँ. वो फॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ आ जाता है, फिर आप उससे बिल्ड करते हो कि अच्छा ऐसा 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 ऐसा. ये जो किरदार है, हाँ, जो लुक रहता है, व्हेन यू स्टैंड सच काइंड ऑफ लुक, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. या आमिर से मुझे सत्या का ये जो लुक है, इतना बड़ा लुक हो जाता है. दैट इज समथिंग अबाउट योर मेकअप आर्टिस्ट, हाउ दे आर ट्राइंग टू. नहीं, मेकअप कुछ बहुत एलैबोरेट नहीं है. तो लास्ट जब मैं प्रोड्यूसर से मिला था तो मैं ऑलमोस्ट इसी लुक में था. मेरे हल्के से ग्रेज हुए हुए थे, एज हो चुकी है तो वो होता है ना कि आप, हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू. बट वो एक होता है ना कि आप हर 15 दिन में नहीं जाते बाल कलर करने. और हम एक्टर्स का ऐसे होता है कि अच्छा यार अब शायद इस रोल के लिए मुझे जाना है मीटिंग के लिए, तो ये है आई नीड टू लुक यंग, तो आप बाल कलर वलर कर लेते हैं, आप यू नो थोड़ा ग्रूम करके चले जाते हैं. वरना एक्टर का एक नहीं. सो व्हेन दे मेट मी एंड दे सॉ मी दे लाइक दिस. एंड सत्या की कहानी ही शुरू होती है जब वो जेल से छूट के आया है. एपिसोड पहला उसकी एंट्री ही वहाँ से. सो दिस वेंट इन वेरी वेल विथ ऑल ऑफ दैट, यू नो, कि बाल बड़े हुए हैं. एंड ऑफकोर्स उस वक्त इससे थोड़े छोटे थे, बट बाय द टाइम शूटिंग शुरू हुई तो वो और बढ़ गए. तो वो ग्रेस को फिर छेड़ा नहीं, तो ग्रेस थोड़े और बढ़ गए. तो वो एक मैच्योरिटी भी दिखती है कि यार एक बंदा 8-10 साल जेल में रहा है, वो एक सर्टन उम्र का है, उसका एक बच्चा है, तो एक उसमें एक सर्टन मैच्योरिटी होगी. अगर यही चीज़ मैं फुल ब्लैक चकाचक करके चले जाता तो वो बात नहीं बन के आती. वो दिखता है कि यार जिंदगी देख चुका है बहुत कुछ, अंदर भी और बाहर भी. सो दैट इज हाउ द वर्क द लुक हैज. वन लास्ट क्वेश्चन, आई नो यू विल टेल मी कि नहीं कोई सिमिलरिटी नहीं है आमिर और सत्या के किरदार में, बट एक कोई ऐसी बात ड्यूरिंग द शूट व्हाइल यू रेड द स्क्रिप्ट, कोई ऐसी बात जो झलकती है आमिर और सत्या के किरदार में. हाँ, सत्या और आमिर में एक है, बहुत जल्दी वो स्नैप कर जाता है. हाँ, तो ये और अब मैं ये एक होता है मेरे साथ हमेशा, जब भी मैं कोई सिमिलैरिटी देखता हूँ अपने कैरेक्टर में और मुझ खुद में एज अ पर्सन, जब मैं वो कैरेक्टर करने लगता हूँ तो वो उस क्वालिटी को मैं अपने आप से वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है. क्योंकि शायद ये होता होगा जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे गाली देने की बहुत आदत है, एग्जाम्पल है, प्लीज़ डोंट कोट मी, तो आप जब वो कैरेक्टर करते हो तो वो ऑलरेडी गाली वहाँ निकल रही है, तो आम जिंदगी में आप देना बंद कर देते हो. तो वो एक शिफ्ट हो जाता है. हाँ, तो मुझे बस वही लगता है कि वो, क्योंकि ऐसा है वो मीडियोक्रिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता. वो फट से बोलेगा नहीं क्या बात कर रहा है, ठीक है बात मत कर. तो मैं वैसा हूँ. ऑफकोर्स मैं उतना लाउड रिएक्ट नहीं करता, बट मेरा वही होता है कि यार ये क्या कर रहा है. सो वो एक मैं सिमिलैरिटी कहूँगा सत्या और आमिर में है. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू. यस, आप अगर बताना चाहो व्हेन फर्स्ट, जब आपने फर्स्ट टाइम पहने, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू सॉ योरसेल्फ इन दैट? आई कांट डिनाई देयर इज एन इनहेरेंट पावर इन द वर्दी, है ना. और व्हेन यू वेयर द वर्दी, आपकी चाल बदल जाती है अपने आप में, द फील ऑफ इट. और या आई थिंक जिम्मेदार नागरिक की तरह बिहेव करने का मन करता है जब वर्दी पहना तो. यू डोंट फूल अराउंड. और yeah, that was my first feeling. Yes, and script के बारे में बात करें. सबसे पहले जो script आपने पढ़ी, सबसे खास बात क्या लगी? Apart from your role, कोई ऐसी बात जो you read it and you said, yeah, this is it and I have to do this character. मुझे पहले जब script narrate की गई ना तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक बच्ची और 2 भाइयों की कहानी है. Right. मुझे हाँ, लेकिन इसमें औरत क्या करेगी इसमें, ये तो बताओ पहले. But of course there's a girl child and it's a very powerfully written script without getting stuck in the template of the shows that are going on right now, है ना. तो एक template को follow नहीं करते हुए मैं कहता हूँ कि अगर ये शायद 90s की सिनेमा हो सकता था, 90s का, है ना. फिल्मी है ये शो. जब हम scenes भी कर रहे हैं तो जब पढ़ते हैं तो बड़ा वो एक rush आता है कि यार ये तो बड़ा कमाल लिखा यार, ये कर. So I think it's that kind of a show which really motivates you to kind of go and do a good scene. So I think that was already something I started feeling when I heard the first narration. Do you challenge yourself for the roles? Because what I have seen as a viewer, मैंने जितना भी देखा, Yam Hai, Tenali Ram, and now this, three different characters, three different roles, three different scripts, three different way of talking. Tell us something about, as an actor, how do you see whenever these three characters, अगर ये तीनों characters की हम बात करें, अपने-अपने में एक खास बातचीत होती है और खास fan following बन जाती है। बताइए जरा इस तीन किरदार के बारे में। ये तीनों किरदार में एक बात common है कि सबसे पहले मैंने ये किरदार करने से मना किया था। Okay. और अमूमन ये होता है कि मैं मना करता हूँ और वो producer या क्रिएटिव जो होते हैं वो मुझे कन्विंस करते हैं कि मुझे ये क्यों करना चाहिए। यम में मैंने कहा यार मुझे वो मुकुट और गॉड और वो भाषा, और पहली बार मैंने कॉस्ट्यूम या गॉड कुछ या मिथोलॉजिकल, तो सिद्धार्थ तिवारी से नहीं यार तू कर ना, अपन भाषा थोड़ी अभी अर्थ पे आ रहा है तो उसको रेगुलर रखेंगे हम लोग, वैसी भाषा नहीं बोलेंगे। तो एक कर तो सही, तो लुक टेस्ट तो कर, लुक टेस्ट किया एंड देन ही शोड इट टू मी एंड आई सेड यार लग तो अच्छा कुछ अलग रहा, so I did that. तेनाली रामा I said no because I was already on the verge of signing another show. सब टीवी के साथ इतने अच्छे रिश्ते थे सोनी के साथ, तो अंदर से फोन आया कि यार मानव यू हैव टू डू दिस यार, दिस कैरेक्टर इज योर्स और बहुत पावरफुल। पर मैंने कहा चलो आप बोलो तो कर लेता हूँ, एंड तेनाली बिकेम सच अ सक्सेसफुल कैरेक्टर लाइक द शो। एंड दिस ऑल्सो फर्स्ट I said no, but the person who narrated this to me, I trusted that person. He says Manav, when I was talking to the producer and when we were discussing this character, हमारे जहन में तुम आए सबसे पहले, and that's what I feel that I would cast the first person who comes to me because that is most appropriate. So I said I don't know how much I'll gain from this, but when he narrated the entire story, I realized that I have to do this. There was no reason I would say no eventually. Manu, do you believe that Sony Entertainment always bring out something very special with your work as an actor? For me, it has worked like that with Sony. To be very honest, you know, Sony sub and Sony. Like I have done CID for Sony. I did my first hosting with Sony, which was Fame Gurukul. I've done CID after that. I've done Vaidehi for Sony. I've done Yam Hai Hum, Tenali Rama, and I did Vaibhav Kapoor Kamna, and then this. So I think with Sony, it has always benefited me because I don't know, is it the sensibility of the channel or the way they are okay to portray the story at its own pace that allows an actor to flourish. So for me, it has always worked with Sony. Tell us something about the Dabangi overall script. ये जो एक कामयाब स्टोरी क्रिएट करी गई है प्रोग्राम में, how do you see it? कोई ऐसा मैसेज जो आपको आप देना चाहो अपने दर्शकों को? यार इसमें ना हम मैसेज तो खूब मिल जाएंगे, इनहेरेंट है, लेकिन एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना तो ये बड़ा लोडेड शो लग रहा है मुझे। दबंगी इज अ वेरी लोडेड शो, इट्स गॉट इमोशंस, इट्स गॉट ड्रामा, इट्स गॉट अ किड, इट्स गॉट टू ब्रदर्स जो दैट विल रिमाइंड यू ऑफ द 90s व्हेन टू ब्रदर्स यूज्ड टू बी एट लॉगरेज और फादर एंड अ सन, दैट टशन ऑफ मोरालिटी कि सही क्या है गलत क्या, तुम्हारे पास गाड़ी है बंगला है, वो वाली फील है इस शो की, है ना। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट गिव मी अ किक दैट यार दिस इज एंड इट टेक्स गट्स टू मेक फिल्मी स्टफ, है ना। आजकल हम रियल करके निकल जाएं हम, है ना, तो वो बहुत आसान होता है, बट टू डिलीवर समथिंग फिल्मी टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड दिस शो इज यूज्ड दैट वे, इट्स लार्जर देन लाइफ, द स्क्रिप्ट, द वे इट्स रिटन, टू ब्रदर्स, पावरफुल कैरेक्टर्स, द वे इट्स शॉट। आई थिंक आई एम सो थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड अबाउट दबंगी। व्हिच इज योर फेवरेट कॉप एंटरटेनमेंट? दबंगी से बात के लिए एक जन का नाम जिक्र में आता है, आपका कोई फेवरेट? यार there used to be a film called Desh Premi, Amitabh Bachchan. तो मेरे लिए ना वो पुराने जो कैरेक्टर्स रह गए हैं ना, वो मिस्टर बच्चन को जो कॉप बनते हुए देखा है। Do you idealize him? I think I have seen your characters. I think you idealize him for more. I who would not from my generation? Yeah. Yes. I mean there is no way, it is an effort to not do a scene like Mr. Bachchan. Right. आप मुझे drunk scene दो मैं डर जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये तो मैं वो कर लूँगा जो सर ने किया हुआ है। तो हाउ टू नॉट डू इट इज़ अ चैलेंज फॉर एन एक्टर, टू हाउ टू रिक्रिएट एंड मेक इट स्टिल ऑथेंटिक एंड रियल। सो येस डेफिनेटली, व्हाई नॉट। व्हाट अबाउट, आई कैन बिलीव लाइक आई थिंक रोहित शेट्टी शुड साइन यू फॉर हिज ऑन कॉप यूनिवर्स। येस, हाउ डू यू सी दैट? आई वुड लव टू। I would love to take this character onto films because this is a very filmy character. And when you're talking about cops, na, like I said, it makes inherent bravado होता है, cop की uniform में होता है. तो उसको अगर आप larger than life project करो, तो believable लगता ही है. And that is how we would want to portray the cops who are actually our protectors on a daily life, on a daily basis. So I think I'd love to take this bigger. One last question: how excited, nervous are you for this iconic character? I think more than nervous, I'm excited because the script and the way people are thinking about this story and the way it's all coming together, I think it's pretty assuring that I'm making or being a part of a very good show. Thank you so much, Manu. Thank you so much. ये बेस्ट एक मिनट रुको, बेस्ट कंफर्टेबल है ना, ऐसे ही बैठते हैं आराम से, ये नहीं करने की जरूरत, बस ऐसे, हाँ ऐसे करेक्ट, ये मत खींचो, ये अच्छा लग रहा है, ये ठीक है, ओके. तो इंग्लिश और हिंदी? हिंदी. नहीं आप बताइए प्रेफरेंस. कोई भी चलेगा. इंग्लिश. So the first time I heard the script, the creative director called me, and I was very surprised because generally क्या होता है, लोग ना आपके किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी सुनाने लग जाते हैं. एंड जब आपने इतना एज अ राइटर आपने शोज़ किए हैं, आप एज अ राइटर फिल्म करते हो, आप समझ में आता है आपको कि एक्चुअली शो क्या है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे. तो मैं कई बार लोगों को कहती, देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी मत सुनाओ, कहानी बताओ मुझे क्या है, मैं समझ जाऊँगी मेरा कैरेक्टर क्या है. तो इस शो में मेरे क्रिएटिव डायरेक्टर ने कहानी सुनाई, विच आई रियली लाइक्ड, आई लव द स्टोरी. फिर मैंने कहा कि अब बताइए, तो उन्होंने कहा कि मैम ये जो आपने कहा, ये कैरेक्टर जो है, तो आई सेड यार डन. तो वो भी थोड़े सरप्राइज हो गए कि आप, मैंने कहा मैं कह रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम डूइंग दिस शो. सो आई इंस्टिंक्टिवली, बिकॉज आई फील एटलीस्ट आई इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट टू समथिंग, वेदर आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट. तो मुझे इंस्टिंक्टिवली अच्छा लगा शो एंड आई सेड आई वुड लव टू डू दिस. मेकर्स का विजन यही था, दे वांटेड अ लॉट ऑफ वल्नरेबिलिटी. उनको एक था कि आँखों में ना वो कहीं ना कहीं पेन, आँखों में वो डर, आँखों में वो सब दिखना चाहिए. एंड नॉट ओनली विद डायलॉग्स, समवेयर दैट इट शुड रेजोनेट इन द आईज, इन हर बॉडी लैंग्वेज, इन हर फील. सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, दैट आई एम ट्राइंग टू गेट दैट. एंड एज एन एक्टर आई ऑल्सो फाइंड दैट वेरी चैलेंजिंग. ठीक है, मेरा किरदार कि मैं दबंगी हूँ. मतलब कैरेक्टर कैसा है? अच्छा, मतलब आपको कैरेक्टर को, मतलब क्या अच्छा लगता है आर्या को, ये बताओ. आर्या को क्या अच्छा लगता है? सब मारना सबको. और क्या अच्छा लगता है? गुंडों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना तो मेरे खून में, पुलिस ऑफिसर की बेटी जो हूँ. हाँ, तो आर्या जो है बहुत ही लड़ाई झगड़ा करती है सबके साथ, बहुत ही उसमें वो एटीट्यूड है, तो डरती नहीं किसी से, बहुत निडर है ना, किसी से डरती नहीं. और ये सारे क्वालिटीज़ उसके पिताजी में भी है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि वो सही चीज़ के लिए लड़ती है और वो गलत चीज़ के लिए. ये जो स्टोरी है पिताजी से दूर रखना, जो देखा, जी आपको ये लगा कि हाँ यार ये होना चाहिए, क्योंकि देयर आर टू डिफरेंट, डॉटर इज डिफरेंट, फादर इज डिफरेंट, मदर डजंट वांट फादर टू मीट. ये जो है आप अगर कुछ बताना चाहो. मुझे वही, मैंने कहा ना, एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी. इट्स नॉट अ वेरी नॉर्मल कहानी कि हीरो की माँ या हीरोइन की माँ या बच्ची छोटी है, ऐसा कुछ हुआ फिर वो दोनों आ गए. इट्स गॉट अ लॉट ऑफ लेयर्स. यहाँ पे एज आई सेड एक मदर डॉटर की कहानी है, फादर डॉटर की कहानी है, दो भाइयों की कहानी है, देवर और भाभी की एक अलग बॉन्ड है. सो ये सब आई वुड से दैट इट्स अ कम्प्लीट पैकेज. सब जो किरदार है वो एक अलग अलग रिलेशनशिप और एक अलग अलग कहानी साथ में लेके चल रहे हैं. तो ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है. कई बार क्या होता है शो में ना, दो होता है, एक हीरोइन होती है, एक हीरो होता है, और कहानी मोरलेस उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है. यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ हर एक किरदार की अपनी कहानी पैरेलली चल रही है जो इससे कनेक्टेड है. So that's the USP of the show. मोस्टली दे आर मदर्स एंड एक हो जाता है कि हाँ वो उस तरह से सोचते हैं जिस तरह एक बहुत बड़ा सीरियल है अनुपमा में आई सीन माय मॉम उस तरह से सोचते हैं अनुपमा की तरह से सोचते हैं तो ये जो जब से शुरू होगी हाउ डू यू सी योर कैरेक्टर एज आई सेड जो तो वल्नरेबिलिटी है जो बहुत सारी सिंगल मदर्स या ऐसी औरतें जिनके पास इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग नहीं है लेकिन बच्चे को बड़ा करने की कोशिश कर रही है कई घरों में अल्कोहलिक पेरेंट फादर्स हैं या बुरे फादर्स हैं उनसे बचा के बच्चे को बड़ा करना आई फील दिस इज़ अ वेरी रिलेटेबल जोन एंड लॉट ऑफ वीमेन विल बी एबल टू रिलेट टू दैट कि येट शी इज़ नॉट गिविंग इट येट इतना सारा लड़ते हुए भी यू नो वो कह रही कि नहीं मैं मेरे बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर दूँगी ये मेरे ख्याल से बहुत एक रिलेटेबल जोन है challenging से ज़्यादा I think it's very heartfelt. I'm very happy that I'm playing a character which I feel a lot of women will be able to relate to and feel good about. कि वो give up नहीं कर रही है इतने भी problems आने के बाद भी somewhere she's fighting for the child. I feel that is somewhere which will keep the women who say कि यार ये देखो एट द एंड ऑफ द डे चाहे ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए रात को मैं आंसू पूछ के कहती हूँ कि नहीं बेटा कल एक नया दिन है और तेरी माँ तेरे लिए लड़ेगी ये थॉट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो आई फील औरतों को लगेगा अच्छा तो जब शूटिंग करते हो साथ में तो कैसा लग ऐसा लगता है कि आप मुझे जानते नहीं हो डरते हो मुझसे कि फ्री हो मेरे साथ इजीली बात करते हो ये बताओ बहुत अच्छा लगता है ऐसे जवाब दोगे तो कैसे चलेगा यार एक लाइन में मजा आता है क्या करती हूँ मैं तुम्हें क्यों कैसे तंग करती हूँ सेट पे कैसे नहीं करती हूँ हाँ तो जब इसका थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाता है तो इसको गुदगुदी करने लगती है फिर ये फिर वापस आ जाती है हाँ फिर इसको एकदम से वो हो जाती है कि चलो चलो तो ये है इसका और आई गेस शी इज़ टू स्मॉल अभी यू नो टू काइंड ऑफ से कि कैसा लगता है क्या नहीं बट शी इज़ वेरी हैप्पी वर्किंग ऑन दिस सेट शी इज़ वेरी हैप्पी चाइल्ड तो सेट पे इसका सबके साथ एक बड़ा प्यारा बॉन्डिंग है एंड वी ऑल मिस हर इफ शी इज़ नॉट हियर I am very nervous. Whenever I take up any project, whatever the project is, it's for me. It's like starting off with a clean slate. So I get very nervous. I get very scared. I pray to God. I pray that the people love me. People, मेरे जो भी खामियां हैं उसे नजरअंदाज कर दे. You know they accept me. And I am very nervous. And I am waiting because finally it's the Janta Janardhan is the God. So finally उनका decision होगा and I hope that they like my work and they like our show. ऐसा लगता है कि जब ये 30 तारीख को आने वाला है, do you see yourself and tell yourself that यहाँ पे कुछ changes या फिर do you tell yourself something after any character that you are creating in your part? That I wish I could have done this better. No. ये अच्छा है, this I can do it better. See that I feel आप real life में भी you always feel कि यार ये और बेटर हो सकता था और ये होना भी चाहिए अदरवाइज अगर इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग कि जो मैं कर रही हूँ वो सबसे सही है तो आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी तो वो इट्स एन ऑनगोइंग थिंग दैट यू शुड ऑलवेज फील कि आई कैन डू बेटर बट एट द सेम टाइम आई फील आई गिव माई 110% विच आई नो आई डू सो आई डोंट फील कि अरे यार ये और मुझे थोड़ा करना चाहिए था बिकॉज आई नो उस वक्त मेरे बेस्ट ऑफ कैपेसिटी में मैंने वो किया होता है तो वो मुझे कभी नहीं लगता बाद में कि अरे यार मैंने शायद 100% दिया नहीं क्योंकि मैं 110% देती हूँ थैंक यू सो मच मैम ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू ऑल द बेस्ट